अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है आपके? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख रहे हैं एच ए मिनी व्लॉग। तो आज दोबारा से जुम्मा आ गया है। सुबह के काम घूम करके खाना वगैरह खा के फारिग हो चुके हैं, तो जुम्मे का टाइम हो गया है। अब हम रेडी होते हैं और जुम्मे की नमाज पढ़ने जाते हैं और फिर मिलते हैं। ਵੱਖਰੋਂ ਬਦਾਮੀ ਇੱਕ ਲਾਟ ਵਰਗੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਲਾਕ ਕਰਦੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਈ ਆਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਤਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸਹਿਮਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੌ ਪੰਤਾ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰਾਤ। तो अब हमने निकाली है गाड़ी और गाड़ी पे जाएंगे गुलगश्त। गुलगश्त हमारा फिक्स है, जब भी हम बाइक निकालें या गाड़ी निकाले तो गुलगश्त ही जाना है हमने, उसके अलावा हम कहीं और नहीं जाते। तो ये खड़ी है हमारी गाड़ी रेडी, तो चलते हैं आपको आगे का व्लॉग दिखाते हैं। तो जी अब गाड़ी में बैठ गए हैं, तो चाह रहे हैं हम पहले अहमदाबाद जाएंगे क्योंकि वहाँ हमारा है एक दोस्त अधील, उसको पिक करेंगे। उसके बाद तो जी शाहराम चौक के ऊपर बहुत ही खतरनाक लड़ाई हुई पड़ी है, समी साहब की तो फट गई है। समी साहब कैसा लग रहा है? ओ भाई ना पूछ, अल्लाह की कसम मैं तो वहां से डर गया हूँ। अल्लाह की कसम, शुक्र है वहाँ पुलिस आ गई थी, उन्होंने छुड़वा दिया, नहीं तो हमारी तो बस खत्म हो गई थी। ओ भाई साहब के तरीके से 4-5 फायर चले हैं, एक की तो आंख फटी पड़ी थी। इतना रश था ना, समी साहब की तो फट गई है, वो तो जो होश खो बैठा था। देखो मेरे से भी नहीं बोला जा रहा, वो फिर भी होश खो बैठा था। अब समझ भाई साहब, मैंने जब उसके वो देखे ना बंदूक उसके हाथ में, मेरी उस टाइम गुल, मैंने कहा या अल्लाह बचा ले। बहुत ज्यादा गंदी हालत थी भाई साहब, तुझे क्या बताऊं मैं, तुम्हें वीडियो नहीं बना पाए, हमारी खुद की हालत टाइट थी। ये अभी चौड़ा हो रहा बैठा, इसकी ज्यादा फटी थी मेरे से। आप इस चीज से ना लगा सकते हो कि हमसे बोला भी जा रहा है। ओए फट गई थी भाई, कुछ आगे निकले थाने से आगे निकले, फिर जाके हमारा कुछ हमें होश आया, तभी व्लॉग स्टार्ट किया हमने। नहीं तो बस हो गई थी। अल्लाह या अल्लाह बचा ले। ओ यार वो जो लड़के की आंख फटी हुई थी ना, वो अल्लाह माफ करे, ये पूरी जगह उसका, मैं अब क्या बताऊं यार, इतना मुझे यार उल्टी आती है कसम से। वो सोच के ना वो सामने मैंने देखा है, वो अल्लाह माफ करे, क्या फायदा आया? अपने आप को जलील किया, अपने आप को ख्वार किया, अपने आप को ही तबाह किया, क्या फायदा आया? यकीन मानो अगर इसको एक और खून वाला बंदा नजर आ जाता ना, ऐसे लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देने थी कि किसी तरह मैं निकल जाऊं। इतनी इसकी फटी फटी थी। और क्या, मैंने कहा यार रश, मैं तो निकाल देता इसके ऊपर से, चढ़ा देता किसी के। आज हमें अदील को लेना बड़ा महंगा पड़ रहा है। हाँ तो भाई अब अदील को पिक कर लिया, अदील को सारा सीन वगैरह बताया है। उससे पहले अदील से पूछ लेते हैं कि तबीयत कैसी है अदील की। शुक्र है मेरे मालिक का, दुआएं आपकी। और आजकल क्या मसरूफियात है आपकी? कॉलेज, घर और उसके बाद फ्रेंड्स, बस। मजे तो इसके हैं हमारी तरह, पूरा हफ्ता वेले और जुम्मे की छुट्टी। उससे भी छुट्टी, गुड हो गया। तो अब चलते हैं आगे, कुछ खाना पीना करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो जी आप घूम घूम के हमें गोल बाग के सामने आज पहली दफा नजर ही आया, अक्सर नजर नहीं आता, आज पहले दफा नजर आया है तंदूरी पिज्जा। तो हमने ऑर्डर दे दिया और इंतजार कर रहे हैं, वो सामने हमारी खड़ी है गाड़ी, तो हम इंतजार कर रहे हैं पिज्जे की और पिज्जा टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा है। तो जी ये है तंदूरी पिज्जा, जो है लोकेटेड गोल बाग के बिल्कुल सामने, और टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा लगा। हाँ तो भाई पिज्जा खा लिया है, लेकिन आपको बताऊँ टेस्ट उसका सिर्फ गुजारे लायक था, अच्छा नहीं था। आप आए हैं ये कैंट में महफूज पान शॉप से, पर इधर से पान लेते हैं, और पान सॉरी पान तो नहीं लेते लेकिन बोतल लेते हैं और पी कर चलते हैं। हाँ सर ये बोतल ले लिया महफूज पान शॉप से, पीते हैं उसके बाद चलते हैं घर। तो जी रात बहुत हो गई, अब गाड़ी लगाने लगे हैं, गाड़ी लगा के चलते हैं। तो जी गाड़ी को कवर भी कर लिया, अब बैठते हैं अपने 1-5 और चलते हैं घर। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा।